दोस्तों मैं आज आपको लाया हूँ अपने मिंट के खेत में, मिंट पेपर मिंट। दोस्तों पेपर मिंट इसको हम मेंथा भी कहते हैं, ये मैं अपने फार्म हाउस में आपको लाया हूँ। और दोस्तों इसे मेंथा भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हर्ब्स में। जैसे दोस्तों जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन में जो यूज़ होती है, जो दर्द वाली मेडिसिन होती है, मेडिकल की चीज़ें जैसे ऑर्थराइटिस में यूज़ होता है, काफ़ी हर्बल मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। ठंडा करता है ये तेल, घमौरियाँ ख़त्म करता है दोस्तों, ठंडक करता है। और दोस्तों ये बॉडी लोशन में भी यूज़ होता है और कई सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तेल में भी यूज़ होता है, दर्दनाशक तेल में भी यूज़ होता है, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको अपने फार्म हाउस में लाया हूँ दोस्तों। तो आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा है ये, यूरोप और अमेरिका में दोस्तों एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके तेल का। आज मैं आपको पूरा खेत दिखाऊंगा दोस्तों, इसका फील्ड और पूरा प्रोसीजर इसका मैं दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये है, ये दोस्तों देखें, ये चीज़, ये मेंथा है दोस्तों, मेंथा या इसको पेपरमिंट भी कहते हैं। ये कई तरह के होता है, जिंजर पेपरमिंट होता है, ऑरेंज पेपरमिंट होता है, सुपर पेपरमिंट होता है दोस्तों, पाइनएप्पल पेपरमिंट होता है दोस्तों। इसका तेल निकलता है, इसका तेल आयुर्वेदिक दवाइयों में, बॉडी लोशन में और जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है उसमें यूज़ होता है। जैसे जुखाम में हम जो हम लगाते हैं बाम लगाते हैं उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। देखो दोस्तों ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये हमारा फार्म हाउस है। ये देखें आप पीछे जितने भी नीचे देख रहे हैं, ये सारा मेंथा या इसको पेपरमिंट भी कहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज मैं इसके लिए आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। ये पूरा मेंथा है, बहुत सारी किस्में होती है दोस्तों, इसका तेल निकलता है। आज आपको मैं प्रोसीजर भी दिखाऊंगा, तेल निकलने का प्रोसीजर। देखो दोस्तों ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये दोस्तों मेंथा है, ये ध्यान से देखें, इसकी पत्तियों से तेल निकलता है, दर्द निवारक तेल निकलता है, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, बाम में यूज़ होता है, जैसे पेन बाम होता है, जो सिर में दर्द होता है उसमें यूज़ होता है ये दोस्तों मेंथा है, पेपरमिंट कहते हैं, जिंजर है, जिंजर पेपरमिंट, सुपर पेपरमिंट, ऑरेंज पेपरमिंट, पाइनएप्पल पेपरमिंट, इनकी बहुत सारी किस्में होती हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा पूरा फार्म हाउस है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका कीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ले आया हूँ। इस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए। और वैसे दोस्तों इंडिया में नॉर्मली सीज़न में 1400 से 1500 रुपये लीटर इसका तेल बिकता है, लेकिन दोस्तों बाहर जो है विदेशों में इसका 5000 से 6000 रुपये लीटर इसका दोस्तों तेल बिकता है। आप देखें, ये देखें दोस्तों पूरी खेती, ये मेंथा या पेपरमिंट ही करते हैं दोस्तों, व्यापारिक खेती है, बहुत आपके काम आएगी ये, आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। इसका तेल निकालने का जो दोस्तों प्रोसेस है वो भी मैं आपको आज दिखाऊँगा। तो इसका तेल निकलता है आयुर्वेदिक दवाइयों में, जो ठंडक रखती हैं दोस्तों, जैसे कई शैम्पूज़ में यूज़ होता है, जो नहाने के बाद आपको ठंडा लगता है। तो दोस्तों इसका जैसे किसी जगह को सुन करने के लिए भी काम आता है, घमौरियाँ को भी कम करने के लिए काम आता है, क्योंकि इसके अब दोस्तों जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप जब मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ खड़ा हूँ मैं तो मेरी आँखों में इसका तेल लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत तीखी है, बहुत दूर तक आती है। तो आप इसकी खेती कीजिए दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेंथा का पेड़ है, ये देखिए दोस्तों आप इसका पूरा व्यूज़ है दोस्तों मेंथा का, आप एक्सपोर्ट कीजिए, बहुत मुनाफा मिलेगा। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में भी इसका काफ़ी डिमांड है दोस्तों, क्योंकि इसका क्योंकि ये जो ब्रीदिंग पाइप होती है दोस्तों, इसको जैसे कफ हो जाता है, इसको कफ सिरप में भी बहुत यूज़ होता है, इसका बॉडी लोशन में यूज़ होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता है, ऑर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम आती है, रिमोटिक ऑर्थराइटिस होता है, ऑर्थोपेडिक ऑर्थराइटिस होता है, उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। रिमेटिक ऑर्थराइटिस में दोस्तों हमारे नीज़ में जितने भी नीज़ हैं, जितने भी जॉइंट हैं उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, बहुत पेन होता है, तो उस पेन को भी कम करने में ये काम आता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा व्यूज़ है मेंथा की फार्म हाउस का। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा फार्म हाउस है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 2 दिन की ट्रेन लगाते हैं दोस्तों, दिल्ली में रेगुलर लगती है और देश की अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम लगती रहती है दोस्तों। पहले दिन हम इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे अपना सैंपल भेजा जाता है। दूसरे दिन जो सेकेंड जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे है,
जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें बताई जाती है दोस्तों। कुछ साइंटिफिक तरीके बताए जाते हैं पैकेजिंग के, जिससे आपका सामान लंबे समय तक ख़राब ना हो। तो दोस्तों जो सेकंड जो डे होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंट्री, अगर आप चाहते हैं उस कंट्री में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना, तो वो भी हम उसमें भी आपके उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा फार्म हाउस दोस्तों मेंथा या जिसको हम पेपर मिंट कहते हैं उससे भरा पड़ा है। इससे तेल निकालिए दोस्तों और यूरोप अमेरिका में एक्सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलेंगे इसके जहाँ पे प्लांट में जहाँ इसका तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, उसके बारे में। दोस्तों जब भी आप स्टार्टअप करते हैं आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, आपको पता नहीं होता कैसे रास्ते करें। दोस्तों हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए। जब भी आप ट्रेनिंग लेके काम करते हैं तो आपका दिमाग फोकस होता है, आपका दिमाग पॉजिटिव होता है, आपका आप में एंथुसियाज्म उत्साह होता है। दोस्तों इस तरह की बहुत इमेजिंग जानकारी के हमारे जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों व्हाट्सअप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए। दोस्तों पुराने वीडियो जो देखे 190 कंट्री के बारे में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दे रखे। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो दोस्तों मेंथॉल एक्सपोर्ट करने के बारे में यूरोप में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।